घास, ये बिच्छू घास भी इससे भी औषधि बनती है। जैसे हम लोगों के हाथ या पाँव में मोच आ जाती है, जो इसमें नुकीले कांटे दिख रहे हैं इसमें एंटीसेप्टिक होता है, तो हम इसको जोर से अगर मारेंगे पाँव पर तो इससे थोड़ी सी दाने टाइप के हो जाएंगे, एकदम करंट की तरह लगता है ये, एकदम दर्द सही कर देगा सर। बाकी जो इसका रेशा होता है, इसके रेशे से जैकेट्स और चप्पल बनते हैं। चप्पल तो बीपी के लिए लाभदायक रहते हैं, बीपी कंट्रोल में रहता है। बाकी जो इसके पत्ते दिख रहे हैं सर, इसकी सब्जी बनती है, ये सर्दियों के लिए लाभदायक सब्जी रहती है। किसके लिए? सर्दियों में ये क्या कहते हैं, बहुत गर्म सब्जी। हाँ जी, गर्म रहती है सब्जी, और पालक की तरह सब्जी बनती है इसकी, वो बोलते हैं बिच्छू घास की सब्जी। और हमारे यहाँ मड़ुए की रोटी बहुत बढ़िया रहती है। अब सुना मत सर, करंटी की तरह लगेगा आपको, एक काटे है उसके ऊपर थोड़ा, यहाँ पे इसको इसको पकड़िए, हल्का पकड़ना। हाँ यस, खुजली बिजली नहीं आता है? नहीं, कुछ नहीं होगा, लगा नहीं सकते। लेकिन इस पौधे की सबसे बड़ी खासियत आपको ये होता है, बॉडी की कोई भी पर्जेंट पेन हो ना, कंधे से लेके और पांव तक अगर कोई भी पेन है, अगर उस जगह पे एक बार इस पौधे को टच कर लेते हैं ना, तो ये 5 सेकंड के अंदर में उस दर्द को रिलीफ करता है, जो आपको 6 से 8 घंटे तक आपको रिलीफ रखता है। तो इसी को बने हुए आपको बहुत सारी प्रोडक्ट कंपनी ने तैयार किया, जैसे साड़ी में आपको इसका प्रोडक्ट तैयार होता है, सूट्स में तैयार होता है, जेंट्स के लिए कुर्ते तैयार होता है, और लेडीज और जेंट्स के लिए चप्पल तैयार किए जाते हैं। चप्पल किस चीज के बनाते हैं? इसी बिच्छू घास की होती है, इसी को प्रोसेस करते हैं, यानी इसके पत्ते के, इसको पूरे पूरे पौधे को प्रोसेस किया जाता है। इसकी पूरी जानकारी चाहिए ना? हाँ। तो आप अपने गूगल पेज पे चले जाएं, वहाँ पे सिर्फ आप बिच्छू घास सर्च करेंगे, हाँ हाँ, तो इसकी पूरी मेडिसिनल जानकारी, इससे बनने वाले जो भी मेडिसिन होता है और किस किस आपको उसमें आपको उपयोग आता है, वो सारी डिटेल्स आपको गूगल भी प्रोवाइड करवा देगी। अच्छा, चप्पल की सबसे बड़ी खासियत होता है, जैसे उस चप्पल को अगर रेगुलर 2 से 2.5 घंटे अगर आप पर डे यूज करते हैं ना, 35 दिन के अंदर घुटने से नीचे अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे लोगों को घुटनों में दर्द रहता है या मसल्स पेन होता है, एडियो में दर्द रहता है या पांव के नीचे जलन रहती है, तो उसको 2.5 से 3 घंटे अगर पर डे यूज करते हैं तो 35 दिन में आपको समस्याओं को दूर करता है। और उसमें भी अगर किसी भी तरह की कोई मेडिसिन यूज करते हो, तो इसे यूज के बाद मेडिसिन की जरूरत नहीं रहेगी। 1 साल तक कोई भी फीवर, इवन डेंगू और मलेरिया जैसे जो फीवर होते हैं ना, जो मच्छर के कारण से होता है, वो भी नहीं होगा। लेकिन अभी इससे तो सब इचिंग होता है ना? 1 मिनट के लिए होता है वो इचिंग, जो है सिर्फ 1 मिनट के लिए होता है। जब ये बॉडी से टच होगा ना, तो सिर्फ 1 मिनट के लिए थोड़ी सी इचिंग होता है, उसके बाद वो खुद ही क्लियर हो जाता है। आता है जो पेन किलर के काम में आता है, वो केमिकल जो है बॉडी की ब्लड से आपको सर्कुलेट हो जाता है, तो सिर्फ 1 मिनट तक, जब तक वो ब्लड से सर्कुलेट होगा तब तक ही आपको इचिंग होता है, उसके बाद आपको नॉर्मल हो जाएगा। बहुत लोगों को स्किन डिजीज, कोई एलर्जी होती है ना, तो उनको थोड़े बहुत दाने भी हो जाते हैं, लेकिन वो भी 2-4 मिनट में आपको क्लियर हो जाता है।